ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଅଛୁ, ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏନ୍ବିଆର୍ଆଇ 1 week 1 lab କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଉପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିଏସ୍ ରାଣା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିତା ହୁଁ। ସାର୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସିଟି କେ ବାରେ ମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୋ ରହା ହେ ୟହାଁ ପେ, ଅର୍ 1 week 1 lab ମେ ଆପକେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କି ଓର ସେ କ୍ୟା କ୍ୟା ଡିସ୍ପ୍ଲେ କିଆ ଗୟା ହେ। ସାର୍, मैं पहले तो आपको ये वन वीक वन लैब प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये हमारा 14 अगस्त से ये 1 week 1 lab प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये हमारे माननीय जो मंत्री हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये उन्हीं का एक कॉन्सेप्ट था, जो कि सीएसआईआर की जितनी भी 37 लैब है उसमें ये शुरू हो रहा है। तो हमारा इंस्टीट्यूट ये 14 अगस्त से 19 अगस्त तक हम 1 week 1 lab का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर डिवीजन का, प्लांट डाइवर्सिटी सिस्मेटिक और हर्बेरियम डिवीजन का, हम लोगों ने ये जो सेलिब्रेशन किया था ये हमने 16 अगस्त को किया था। तो उसमें हमारे जो माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। और उसमें डॉक्टर संजप्पा, फॉर्मर डायरेक्टर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और डॉक्टर रामानुज, डायरेक्टर आईआईटी भुवनेश्वर, वो हमारे इसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस कार्यक्रम के। तो इसमें हमने जिस दिन हमारा इनॉग्रेशन था 14 तारीख को, उस दिन हमने इस डिवीजन ने एक वो वर्चुअल हर्बेरियम तैयार किया। तो हमारे इस हर्बेरियम में, जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हर्बेरियम है, वो एक नेशनल रिपोजिटरी है, जिसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर फ्लोरा ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे जो भी हम सैंपल जो डाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी करते हैं, हम सारे ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट स्टडी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ एल्गी है, लाइकिन है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और एंजियोस्पर्म बोले तो वो फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके ऊपर हमारे पास इस हर्बेरियम में जो जिसका एक्रोनिम LWG है, तो इसमें हमारे पास लगभग 2,65,000 इसके जो स्पेसिमेन रखे हैं, और डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। कितने सालों से सर ये स्टॉक है आप? ये हमारे पास जब से ये संस्थान शुरू हुआ है, तो ये जो बिल्डिंग है, ये इस संस्थान का ये पहला विभाग है, जो इसके जो निदेशक थे, जो पहले निदेशक प्रोफेसर KN कॉल, तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये तभी से हम ये देख रहे हैं, आप अगर आप पीछे देखें, ये हमारे जो क्यू के पैटर्न पे ये हर्बेरियम बना है। तो इसमें हम जो स्पेसिमेन 9 साल से भी ज्यादा हो, नहीं, अभी इसको लगभग 70 साल हुए हैं हमारे हर्बेरियम को। और ये हम इसमें जितने भी जो प्रिजर्व करते हैं, सो दैट इज बेसिकली फॉर पोस्टेरिटी। हमारे पास में अगर आप दिखाऊं, तो ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है, जो कि 1899 का कलेक्ट किया है। सो दिस इज दी ओल्डेस्ट स्पेसिमेन दैट वी हैव इन आवर हर्बेरियम। सो और ये कुछ लाइकेन के जो सैंपल्स हैं, ये पार्मोट्रिमा रेटिकुलेटा है, ये लाइकेन एक इसके ऊपर ग्रो करता है, इसके ट्रीज के ऊपर। तो इसमें ये, बल्कि ये मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंट वो लाइकेन है, इससे ये जो गरम मसाला जो बनता है, इसमें ये काम आता है। और ये एक दूसरा लाइकेन है, रोसेला मोंटिग्नाई, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये इसमें लिटमस डाई, आप नाम सुना होगा, ये लिटमस डाई इसमें इससे निकाली जाती है। तो इसी तरह से हमने कई सारे और सैंपल भी जैसे रखे हैं, ये हमारे पास ये एल्गी के कुछ सैंपल है, स्पैगनम है, और ये सारे सैंपल एल्गी के हैं। और ये कुछ ये हमारे पास जो मैं ब्रायोफाइट बता रहा था, ये ब्रायोफाइट हैं, जैसे रिक्सिया बिलार्डियारा, ये उसके सैंपल है ब्रायोफाइट्स के। तो इसमें हम जो भी इस स्टोर हाउस, इसको अगर हम कहें हर्बेरियम को, तो इसके थ्रू हम कई सारी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कोई रिविजनरी वर्क करना है, या प्लांट्स को ऑथेंटिकेट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ही नहीं, बल्कि जो यहाँ के जो और आसपास के जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी भी हम कैटर ये नीड को कैटर करते हैं। हमारे पास लोग आइडेंटिफाई, चूँकि नेशनल रिपोजिटरी है, तो हमारे पास लोग ये अपने स्पेसिमेन, प्लांट सैंपल आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन के लिए भी आते हैं, तो जिसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं और हम उनको
उसका बढ़ना जरूरी है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज है जो लोकल पे ही दब जाता है, या लोकल के लोग जैसे आप बता रहे थे कि उन्हीं की ही फैमिली को ही पता है, और एक ब्लाइंड बिलीव भी है जो ट्राइबल लोग है खासकर जो जंगल में रहते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी रहता है, हर्बल प्रोडक्ट्स रहता है जो बताते भी नहीं है, डर के कि इसका इलाज या उपचार खत्म हो जाएगा, ऐसे जो ब्लाइंड बिलीव है, कैसे आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं जब रिसर्च पे जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। इसको हम इसमें जैसे साइंटिफिकली एक सब्जेक्ट ही है इथनोबॉटनी। तो इथनोबॉटनी में क्या होता है कि जो प्लांट और लोकल जो जैसे ट्राइबल और रूरल पीपल का उनका इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्शन होता है प्लांट और उसका, और वो अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा के जीवन में उन जिस जगह वो रहते हैं जो उनके आसपास की जो वनस्पतियां हैं उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने जैसे किसी मेडिसिन पर्पज के लिए और अपनी जो फ्यूल वुड के लिए और या अपनी जो भी कुछ उनकी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कुछ एडिबल फ्रूट्स भी होते हैं, कुछ जो जंगल में कुछ वेजिटेबल होती है जिसको हमारी जानकारी में वो नहीं होती है। तो हमारी उसमें क्या अप्रोच रहती है कि वो उन चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही मतलब उसमें झिझकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में किसी दूसरे के साथ में, तो उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेकर के, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन विलुप्त हो जाएगी। अगर वो तो एक ओरल फोकलोर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, वो जो उनके कोई बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपने जैसे बेटे को वो बता दिया, वो फिर दूसरे को बता रहे, अंटिल अनलेस हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो वो उनके साथ में विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन भी हम करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं मेडिसिनल प्लांट और जो भी उसकी प्लांट की यूटिलिटी है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, और उसमें उसके बाद फिर उसको बायो प्रोस्ट्रक्शन में उसको यूटिलाइज करते हैं। हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअली यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रिसर्च होती है, हमारे यहाँ सिर्फ यही डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे यहाँ और फाइटोकेमिस्ट्री भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो ये एक इंटीग्रेटेड, और हमारे पास बॉटनिकल गार्डन है, तो उसमें ये सारे एक होलिस्टिक वे में हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई एक औषधीय पौधा जो एक बहुत ही उनके परंपरागत तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं और किसी भी अपने किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो हम उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें ऐसा कोई केमिकल या एक्टिव प्रिंसिपल है, एक्टिव कंपाउंड है कि जो फर्दर ड्रग डेवलपमेंट क्या उसमें यूज़ हो सकता है। तो उसमें हम उसकी केमिकल प्रोफाइलिंग करते हैं और उसको फिर आगे जैसे फार्माकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट है या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फार्माकोलॉजी है, तो उसको उसका केमिकल कंपाउंड को उसका निकाल करके उसको फिर देखते हैं कि वो किस के ऊपर एक बुक लॉन्च किए हैं रिसेंट प्रोग्राम में, ऐसे और स्टेट के ऊपर भी फोकस है क्या सर CSIR NBRI का, कि दूसरे स्टेट में भी जो प्लांट है जो जंगल में रह जाता है, खास करके हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा एरिया है भारत का, और हर स्टेट का एक अनोखा चीज भी मिलता है, उस सबको लेकर हाँ बिल्कुल, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं। अभी जैसे आपने ये जिक्र किया कि हमें जो लॉन्च किया, तो ये प्लांट रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश एक चेकलिस्ट हमने बनाई है जिसमें हमने 5,141 प्लांट्स को उनका वैलिडेट किया है, उसको डॉक्यूमेंट किया है उस बुक के अंदर में, कि जो कि सारी जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है, जिसमें कि एल्गी है, लाइकेन है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है और एंजियोस्पर्म है। तो उसका अभी जो रिलीज हुआ है 16 तारीख को माननीय चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसका रिलीज किया है, तो उसी का हम आगे उसका एक ई फ्लोरा भी बनाने चाह रहे हैं, और जो कि हमने पोर्टल डेवलप कर चुके हैं और उसमें हम वो सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे ताकि वो पब्लिक के एक्सेस के लिए ईजी हो जाए, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। और इसी तरह से जैसे आपने पूछा कि क्या आप और जगहों में भी कर रहे हैं, तो अभी हमारा एक ऑनगोइंग प्रोग्राम है, अभी इन हाउस प्रोग्राम जिसको हम OLP भी कहते हैं, तो उसमें हम वेस्टर्न हिमालय के ऊपर हमने कुछ ऐसे पॉकेट सेलेक्ट किए हैं हाई ऑल्टीट्यूड में, कि जो जहां अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं, वो जहां की अभी वहां की वनस्पतियों के बारे में, वहां की डाइवर्सिटी के बारे में अभी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, तो रिसर्च नहीं है,
तो हम उनको अभी डॉक्यूमेंट करेंगे आगे आगे आने वाले दिनों में, ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग है। और साथ में हम अभी ये जो वर्चुअल हर्बेरियम हमने जैसे बात करी है 2,65,000 के करीबन तकरीबन हमारे पास ये जो आइडेंटिफाइड है, इसके अलावा कुछ और आइडेंटिफाइड मटेरियल हमारे पास वो है तो जिसको हम इनकॉर्पोरेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। आप जिक्र कर रहे थे उसमें क्या रिसर्च करने के लिए गए थे या क्या थी? हाँ, सिमलीपाल के ऊपर हमारे कुछ साथी कुछ काम कर रहे हैं सिमलीपाल के ऊपर, और इससे पहले भी भीतर कनिका जो एक पार्क है तो उसके ऊपर एक मिरोप करके एक स्पीशीज होती है, तो वो एक मैंग्रोव है, तो उसमें हमने बल्कि हमने नहीं एक एक ट्री है वो ये छोटा ट्री है वो बल्कि उसका एक तो वो एक मैंग्रोव एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वो मिलता है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने पहले एक कुछ काम किया था। तो उड़ीसा में हम लोग ये तो इसके ऊपर डाइवर्सिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं उड़ीसा में भी, और हमारे कुछ एक डॉक्टर संदीप बेहरा हैं वो वहाँ पे ट्रेडोफाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे कुछ और साथी भी हैं जो सिमलीपाल और जगहों में इसके डाइवर्सिटी के ऊपर और इकोलॉजिकल मॉडलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप शुणुले आपन शुणुले आम सहित राणा सर थे जे कि अधिक रु अधिक आम सहित आलोचना करते आपन को से सांपल देखेले जो गुड़ा कि गच्छरे हुए किसी मध्य पानी एमती शैवाल रही जहाँ उपरे तथ्य आज पर्यंत क्या पाखे ना से गोटे बुक्स रिलीज कर जोटा कि उत्तर प्रदेश समस्त जो उद्भिद मान रही जो वृक्ष मान रही से इनफर्मेसन देखते अन्य स्टेट काम कर सार जमी कहते हिमालय बेल्ट एमती एक पॉकेट को सेमाने बाछिछन्ती जहाँ पर एपे पर्यंत रिसर्च हैनी सेभली उड़ीसा भितरकनिका कहतु सिमिलीपाल कहतु ये पॉकेट रे रिसर्च जारी रही आगामी दिन में आहुरी एमती अनेक जिनस बाहर को आसब लोकना सामना को आसब जो गुड़ कि आढ़ुआ रही जाइए तार उपकारिता तार इम्पोर्टेन्स लोक मान कम लगे आशा और विश्वास। कैमेरा पर्सन आदित्य सहित अर्गस न्यूज़।